तो जी हाँ, जय हिंद भाई, सबको स्वागत है फिर से आपका आपके अपने चैनल में। तो आज हम यहाँ पे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जो वैज्ञानिक उपकरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनका क्या उपयोग है, उनका नाम क्या है, उनसे हम क्या मापते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पिछले काफ़ी टाइम से, जो पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या काम रहेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए और केवीएस, एनवीएस या किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए जिसमें साइंस पूछी या जनरल साइंस पूछी जाती है, खासकर टीजीटी पीजीटी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते, देखिए यहाँ पे फर्स्ट है अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर क्या होता है, देखिए यहाँ पे अल्टीमीटर लिखा हुआ है। अल्टीमीटर एक यंत्र होता है जिसका उपयोग हम ऊंचाई को मापने के लिए करते हैं। तो अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, ऊंचाई को मापने के लिए करते हैं, जिसका उपयोग जो है विमानों में किया जाता है। अल्टीमीटर का उपयोग विमानों में किया जाता है ये देखने के लिए कि विमान जो है कितनी ऊंचाई पर जो है उड़ रहा है। ठीक है, तो अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, विमानों में ऊंचाई मापने के लिए। किसी भी जगह पे जो हाइट को मेज़र करते हैं वो किसे मेज़र करते हैं, अल्टीमीटर से जो है मापने के लिए किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है, देखिए एनीमोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें इससे वायु के बल तथा गति को मापा जाता है। यह यानी एनीमोमीटर से आप एयर की दिशा को, विंड की डायरेक्शन को और वायु की गति तथा उसकी बल की गति को भी जो है माप सकते हैं, किससे, एनीमोमीटर से। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर क्या होता है, देखिए ऑडियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, ऑडियोमीटर यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है। यानी ऑडियोमीटर ये मापता है कि कोई भी ध्वनि, कोई भी साउंड कितना तेज है या कितना धीरे है, ये काम किसका होता है, ऑडियोमीटर का होता है। नेक्स्ट देखिए एरोमीटर। एरोमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है जो वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र होता है। तो यानी किसी जगह पे वायु और गैसों के घनत्व को जिस डिवाइस से मेज़र किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर क्या होता है, देखिए एक्टिनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता को, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्टिनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग, ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत चुंबकीय विकिरण, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उसका, उसको मापने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्टिनोमीटर। यानी किसी जगह पे कितना रेडिएशन है, कितनी विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये कौन बताता है, एक्टिनोमीटर बताता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो देखिए एक्यूमुलेटर क्या होता है। तो एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का एक सोर्स है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का एक सोर्स है एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट देखिए एंटी एयरक्राफ्ट गन। तो एंटी एयरक्राफ्ट गन क्या होता है, देखिए एंटी एयरक्राफ्ट गन होता है गोला मारकर हवाई जहाज को गिराने वाली तोप। यानी जो आपने सुना होगा कि जब कभी जो है दुश्मन जो है आर्मी पे हमला कर देता है तो उस मिसाइल को हवा में ही उड़ा देना जिस तोप से उड़ाया, तो उसे एंटी एयरक्राफ्ट गन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑडियोफोन। ऑडियोफोन क्या होता है, इसका उपयोग जो है शायद जो है सुनने में इसका उपयोग किया जाता है ऑडियोफोन में। नेक्स्ट देखिए बैरोग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट बैरोग्राफ। देखो बैरोग्राफ क्या होता है, यह वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन में लगातार जो है उसको मापता है और स्वतः इसका ग्राफ भी बना देता है। बैरोग्राफ ऐसा होता है कि वायुमंडल में आपके एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आते हैं उसको मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं, बैरोग्राफ का। अगला होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है वायु दाब को, एयर प्रेशर को मापने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बैरोमीटर। तो वायु दाब को मापने के लिए जिस डिवाइस का, प्रेशर को मापने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं। प्रेशर कि कोई पूछे प्रेशर की यूनिट क्या होती है, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट पास्कल होती है, क्या होती है, पास्कल होती है। अगला देखिए बाइनोक्युलर। तो बाइनोक्युलर क्या होता है, बाइनोक्युलर यह उपकरण दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है। बाइनोक्युलर का उपयोग, अगर कोई वस्तु दूर है, ये दूरदर्शी के जैसा कुछ काम करता है, दूर की वस्तुओं को देखने में इसका उपयोग करते हैं। अगला देखिए कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस है, 11th का टॉपिक है ये। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, देखिए इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास को, यानी उनके डायमीटर को, व्यास को बोलते हैं डायमीटर को, मापा जाता है तथा इससे वस्तु की मोटाई को मापा जाता है। यानी इसके खास वर्नियर कैलिपर्स से किसी वस्तु की मोटाई को
उसके डायमीटर कितनी है ये आप उससे माप सकते हैं, किससे, वर्नियर कैलिपर से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिवाइस क्या है, नेक्स्ट डिवाइस है कैलोमीटर। कैलोमीटर क्या होता है, यह उपकरण तांबे का बना होता है और उष्मा की मात्रा, इसे कैलोमीटर नहीं कैलोरीमीटर लिखना चाहिए था इसको, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे आप उष्मा की, हीट की, उष्मा बोलते हैं हीट को, किसी जगह पे कितनी हीट है उसको, जिस उष्मा को, जिस हीट, जिस डिवाइस से मेजर किया जाता है उसे बोलते हैं कैलोरीमीटर। ठीक है, अगर देखें कार्बोरेटर, कार्बोरेटर क्या होता है, कार्बोरेटर इससे अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। अगला देखिए सिनेमेटोग्राफ, सिनेमेटोग्राफ का क्या उपकरण क्या होता है, तो सिनेमेटोग्राफ छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सिनेमेटोग्राफ का उपयोग होता है छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाना। अगला देखिए कंप्यूटेटर क्या होता है, तो कंप्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस है इससे किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को जो है बदली जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंप्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका उपयोग किसी सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन को, विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं। कम्यूटेटर ये जो है उसमें यूज होता है, ये कम्यूटेटर जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है इसका यूज होता है। साइट्रॉन देखिए, साइट्रॉन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए काम आने वाला एक यंत्र है, यानी साइट्रॉन से आप किसी जो है किसी जगह में कृत्रिम अपने हिसाब से मौसम को क्रिएट कर सकते हैं। अगला है डायनेमोमीटर, डायनेमोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायनेमोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे विद्युत शक्ति को जो है मापा जाता है, विद्युत शक्ति किसी भी सर्किट में कितनी पावर है उससे डायनेमो से मापा जाता है, जिसकी उपयोग जो है जिस डायनेमो का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, जिसकी याद में जो है नोबेल प्राइज जो है उन्हीं की याद में नोबेल प्राइज जो है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अगला देखिए डिक्टोफोन, डिक्टोफोन क्या होता है, अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है, इसे बोलते हैं डिक्टोफोन। जो वॉकी टॉकी होते हैं, जो हाई सिक्योरिटी जोन जहां पे वॉकी टॉकी यूज किया जाते हैं, उनमें डिक्टोफोन ही लगे होते हैं। अगला देखिए फैदोमीटर, फैदोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट, फैदोमीटर यह समुद्र की गहराई मापने के लिए जो है उपयोग किया जाने वाला जो है एक इंपॉर्टेंट जो है यंत्र है। अगला है गाइगर मूलर काउंटर, तो गाइगर और मूलर दो साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पे इस डिवाइस का नाम है। इसका काम क्या है, इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना, यानी इसके उपयोग से आप किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, किसी रेडियो एक्टिव तत्व से कितना रेडिएशन निकल रहा या आप निकाल सकते हैं, किससे, गाइगर मूलर काउंटर से। तो इंपॉर्टेंट गैब्रीमीटर, अगला देखिए गैब्रीमीटर, तो गैब्रीमीटर क्या है, तो गैब्रीमीटर इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति, यानी किसी लिक्विड में कितना ऑयल है इसे आप ये पता कर सकते हैं गैब्रीमीटर से। गायरोस्कोप क्या होता है, तो गायरोस्कोप इस यंत्र से घूमती वस्तु की गति ज्ञात की जा सकती है। तो गायरोस्कोप से क्या की जा सकती है, किसी घूमती वस्तु की मान लो कोई वस्तु घूम रही है, मोशन में है, तो उस मोशन में वो उसकी स्पीड क्या है वो किससे पता करते हैं, गायरोस्कोप से। अगला देखिए हाइड्रोमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाइड्रोमीटर से इस उपकरण के द्वारा स्रोतों का अपेक्षित घनत्व, हाइग्रोमीटर से किसी जो है उसका रिलेटिव डेंसिटी पता की जाती है हाइड्रोमीटर से। अगला है हाइड्रोफोन, तो हाइड्रोफोन से क्या किया जाता है, हाइड्रोफोन जो पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना, यानी पानी के अंदर, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, फोन का मतलब होता है फोन, तो एक ऐसा यंत्र जो पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के काम आता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोन। अगर देखिए हाइग्रोस्कोप, तो हाइग्रोस्कोप वायुमंडलीय आर्द्रता को परिवर्तित, यानी वायुमंडल की जो ह्यूमिडिटी होती है, एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता को मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोप बोलते हैं। अगला देखिए कीमोग्राफ, कीमोग्राफ क्या होता है, यह रक्तचाप, हृदय स्पंदन आदि शारीरिक गतियों या कारकों के परिवर्तन का ग्राफ बनाते हैं, यानी कीमोग्राफ ऐसा है इसका उपयोग जो है बायोलॉजी में कहते हैं। लैक्टोमीटर देखिए, लैक्टोमीटर क्या होता है, लैक्टोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग जो है दूध की प्योरिटी को, जिस उपकरण से, इंपॉर्टेंट, दूध की प्योरिटी को जिस उपकरण से मापा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोमीटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दाब मापी, तो दाब मापी साफ पता चल रहा है, दाब बोलते हैं प्रेशर को, तो किसी जगह पर प्रेशर को
को मेज़र करने के लिए, गैसों का प्रेशर मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, दाबमापी। अगला देखिए मैकमीटर। मैकमीटर क्या होता है, यह यंत्र वायु की गति की ध्वनि को गति के पदों में मापता है। तो मैकमीटर क्या होता है, यह यंत्र वायु की गति की ध्वनि को गति के पदों में जो है मापता है। अगला देखिए चुंबकत्वमापी। चुंबकत्वमापी क्या होता है, यह विभिन्न चुंबकीय आघूर्ण तथा चुंबकीय क्षेत्रों की तुलना करने के लिए, यानी किसी भी चुंबक की उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसका उपयोग चुंबक मापी से करते हैं। अगला देखिए माइक्रोफोन। तो यह ध्वनि, यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में, यानी माइक्रोफोन का उपयोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो है पहचानने में किया जाता है। अगला देखिए ऑडोमीटर। तो ऑडोमीटर क्या होता है, इससे मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात किया जाता है। इससे चक्कर मापी, देखिए जो गाड़ियों में जो स्पीड लगी होती, जो स्कूटर या बाइक में या कार्स में जो हमें स्पीड दिखाता है, वो ऑडोमीटर से ही हमें जो है दिखाता है। अगला देखिए पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है, इसके द्वारा पनडुब्बी के अंदर जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह का अवलोकन किया जाता है और उसमें बैठे लोग बिना किसी बाधा के बाहरी हलचलों को देख सकते हैं दीवार की दूसरी ओर। तो इसका उपयोग जो है पानी के अंदर जो है हलचल देखने में इसका उपयोग किया जाता है, पेरिस्कोप को। अगला देखिए पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है, पायरोमीटर यह उच्च तापों को मापने का यंत्र है, जिससे जैसे सूर्य का ताप, ठीक है, पायरोमीटर से किसी का आप जो है टेम्परेचर जो है मेजर कर सकते हैं। पॉलीग्राफ क्या होता है, इस यंत्र को झूठ का पता, देखो लाइट डिटेक्टर टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा लाइट डिटेक्टर टेस्ट जिस यंत्र से किया जाता है उसे हम पॉलीग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीग्राफ बोलते हैं। तो इसका उपयोग जो है झूठ को पता करने में किया जाता है। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है, अलग रडार। तो रडार क्या होता है, देखिए रडार क्या है, रडार रेडियो तरंगों द्वारा पास आते हुए वायुओं की, यानी रडार एक ऐसा डिवाइस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, रडार एक ऐसा डिवाइस है जिससे आपकी तरफ कौन सा विमान आ रहा है, वायुओं की दिशा पता करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं, प्लेन की दिशा को डिसाइड करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसे हम रडार बोलते हैं, ठीक है। अगला है रेडिएटर। तो रेडिएटर क्या होता है, रेडिएटर यह कारों तथा गाड़ियों के इंजनों को ठंडा कर, रेडिएटर जो है आपके व्हीकल्स में, कार स्कूटर या बाइक में जो है उनके जो इंजन होते हैं उसको ठंडा करने में इसका उपयोग किया जाता है। और देखिए रेडियोमीटर। रेडियोमीटर द्वारा, इस यंत्र द्वारा विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को मापा जाता है। रेडियोमीटर जो है कोई विकिरण कितनी खतरनाक है कितनी नहीं, ये रेडियोमीटर द्वारा पता कराया जाता है। और देखिए सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का, तो इसके द्वारा जो है भूकंपीय किरणों का अध्ययन किया जाता है, इसके द्वारा अर्थक्विक का अध्ययन जो है किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग इस यंत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रोमों का अध्ययन किया जाता है, स्पेक्ट्रम का अध्ययन जो है किया जाता है। अगला स्पीडोमीटर। इसमें इस स्पीडोमीटर से मोटर गाड़ी की स्पीड को जो है पता किया जाता है, जो आपके स्कूटर बाइक में जो स्पीड मेजर करने के लिए लगा होता है उसे स्पीडोमीटर जो है बोलते हैं। अगला स्पेग्नोमीटर। स्पेग्नोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो डॉक्टर के पास जो कान में लगाने का जो होता है वो स्पेग्नोमीटर ही होता है, तो उसका उपयोग यही होता है आपकी जो है हार्ट बीट पता करना। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी करंट को कम या ज़्यादा, या एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकता है, उसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टेलीमीटर। तो टेलीमीटर क्या होता है, टेलीमीटर क्या होता है दूर स्थानों पर होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाला जो है, यानी अगर आपको एक अपनी जगह पे बैठ के कोई दूर से किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना है तो वो किससे करते हैं, टेलीमीटर से। अगला देखिए यहाँ पे टैक्योमीटर क्या होता है। टैक्योमीटर होता है सर्वेक्षण के समय दूरी उन्नयन, यानी दूरी, आप मान लो कोई भी आप सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे करते समय डिस्टेंस और वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा, जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो टैक्योमीटर के द्वारा करते हैं। जो इंजीनियर होते हैं जो सड़क या कोई बिल्डिंग बनाते हैं वो इसी का यूज जो है करते हैं। अगला देखिए ट्रांसपोंडर क्या है। इस यंत्र का उपयोग जो है, इस यंत्र का काम है किसी संकेत को ग्रहण करना और उसके उत्तर को तुरंत प्रेषित करना। ट्रांसपोंडर का काम होता है किसी चीज़ को रिसीव करना और उसे फिर जो है उसके हिसाब से उसको आंसर करना। और लास्ट है अल्ट्रासोनोस्कोप। तो यह इसका काम क्या होता है, यह अल्ट्रासोनिक साउंड को जो है मापता है, अल्ट्रासोनिक स्कोप, ठीक है। अगला देखिए विस्कोमीटर। तो विस्कोमीटर
विस्कोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी यंत्र की, किसी द्रव की, किसी लिक्विड की विस्कोसिटी को मापता है, संयांता को मापता है। किसको मापता है? संयांता को मापता है। देखो संयांता क्या होती है, विस्कोसिटी, कोई भी द्रव कितना फ्लो कर सकता है, कितनी आसानी से फ्लो कर सकता है, किसी द्रव के फ्लो होने की प्रॉपर्टी को हम उसकी विस्कोसिटी बोलते हैं, संयांता बोलते हैं। ठीक है, तो यही थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे तो इनको जरूर जो है शेयर करें। थैंक यू सो मच।